आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मंगरावा गांव में 23 मई को दलित युवती की लाश मिलने के विरोध में गुरुवार 30 मई दोपहर में गंभीरपुर थाने में मंगरावा गांव व भीम आर्मी के लोगों ने घेराव किया। उत्तेजित ग्रामवासियों ने थाने के सामने आजमगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे घंटों आवागमन अवरुद्ध रहा। जानकारी के अनुसार मंगरावा गांव निवासी ललिता पुत्री छोटेलाल 21 मई को घर से गायब हो गई थी और 23 मई की सुबह गांव के पास हत्या कर फेंकी गई लाश शाह आलम के पोखरे में मिली। स्थानीय पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लड़की के पिता द्वारा नामजद तहरीर देने पर भी कोई कार्रवाई न होते देख 26 मई को ग्रामीण लामबद्ध होकर जिलाधिकारी का घेराव कर धरना प्रदर्शन किए। जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के बावजूद थाना गंभीरपुर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही थी, जिसके विरोध में आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। ग्रामीण लामबद्ध होकर ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर थाने का घेराव करने पहुंचे, जहां उपस्थित पुलिस वालों ने उन लोगों को थाना परिसर में जाने से रोक दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने थाने के सामने चिलचिलाती धूप में रोड पर ही बैठ गए और पुलिस विरोधी और प्रशासन विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। ललिता के हत्यारों को फांसी दो, गंभीरपुर पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी इत्यादि नारा लगाकर लोग रोड पर बैठ गए, जिससे रोड पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शन को देखते हुए गंभीरपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार पांडे ने मेन नगर प्रभारी निरीक्षक एवं रानी की सराय निजामाबाद आदि थानों से पुलिस बुला ली। पुलिस ने जाम खुलवाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। अंत में थाना प्रभारी अरविंद कुमार पांडे ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से 24 घंटे में सभी आरोपित हत्यारों को पकड़ने के आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त करवाया। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।